लेकिन इस गुडविल को हमने बिजनेस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाना, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने वन किया था, सेम वैसे क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें एडिशन आ रहा है न्यू पार्टनर का। बैक्स्टर विल ब्रिंग 24,000 कैश इनटू द बिजनेस फॉर कैपिटल। बैक्स्टर कैश बिजनेस में लेके आ रहा है, कैश अगर लेके आएगा तो उसकी हम एंट्री पास करें, जो ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट और बैक्स्टर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी प्लांट गॉड्स कलर एंड बैक्स्टर चेंज ओनली रेशियो 4:5:1 की। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है इनकी। रिक्वायरमेंट क्या है, the entries in the capital accounts of plant, dot, fuller and Baxter, the account to be in the column form. हमने इसमें entries pass करनी है capital accounts के अंदर। उसके बाद statement of financial position हमने बनानी है। After Baxter has been introduced, तो बहुत easy, जैसे question number हमने किया था one, same वैसे ही है ये। तो हम क्या करेंगे इसको, हम यहाँ से करेंगे इसको copy paste। तो अब इसमें पार्टनर्स के नेम चेंज है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा न्यू पार्टनर्स में शामिल करना है हमने बैक्स्टर, तो बैक्स्टर को ऐड किया जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास टोटल 60,000 1:3:2 की रेशियो से इसको जब एलोकेट करेंगे तो 1:3:2 5+6 1/6 3/6 एंड 2/6, तो 60,000 टोटल है। तो हमने इसको जब एलोकेट करेंगे तो 60,000 1/6 ये बनेगा 10,000, 3 है तो बनेगा 30,000, 2 है तो 40,000। तो ये तो थी हमारी गुडविल ओल्ड रेशियो के हिसाब से, अभी न्यू रेशियो के हिसाब से चेंज होगी। उसमें आ रही है 4:5:2 और बैक्टर का भी इंटीग्रेशन हो रहा है 4+5:9 2:11+12, ये बनेगा 4/12 तो 60,000 मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 60,000 5/12 60,000 2/12 एंड 60,000 एंड 1/12 तो अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो हमारे पास थी, तो ओल्ड रेशियो में 10,000, अभी हमारे पास आ रहा है 20,000 बनना था, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 10,000 30,000, तो ये यहाँ पे 5,000 आ जाएगा। और अभी इसमें आ रहा है हमारे पास 20 में से 10 गए, तो बाकी 10,000 यहाँ पे 5,000। तो ओल्ड रेशियो के मुताबिक 10,000 अभी 20,000 है, तो इट मीन्स के अगर यहाँ पे गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया गया तो इट मीन्स के यहाँ पे इन्हें लॉस कितना बेयर करना पड़ेगा 10,000। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो पहले 20,000 था वो अभी 25,000 न्यू रेशियो के मुताबिक बन रहा है, तो इट मीन्स इन्हें यहाँ पे गेन हो रहा है। तो ये बेसिकली एडजस्टमेंट है गुडविल की। इसी तरह से बैक्स्टर को 5,000 का एक लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो अगर लॉस बेयर करना पड़ेगा तो इसको हम फिर करेंगे डेबिट। तो अब इसमें ब्लंट एंड बैक्स्टर डेबिट होंगे, ब्लंट
एंड एक्स्ट्रा डेबिट 10,000 एंड 5,000 और यहाँ पे ड्रॉ एंड कलर क्रेडिट होंगे 5,000 एंड 10,000। तो ये एडजस्टमेंट है, इसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुड, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है। अब हमने इसमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आप कैपिटल अकाउंट ओपन कीजिए, तो हमने अगर कैपिटल अकाउंट ओपन करें तो ये हमारे सामने डेबिट साइड आ गई, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर है हमारे पास ब्लंट डेक्स्टर डॉट्स कलर और यही हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो जी कैपिटल अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, तो जस्ट बहुत आसान, हमें पता है कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो वी नो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो वी नो कैपिटल अकाउंट होते हैं क्रेडिट। तो ब्लंट डॉट कलर ये पहले से बैलेंस मौजूद है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्रिप्शन का कॉलम हमें ओपन ऐड करना पड़ेगा एक यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन का कॉलम या पर्टिकुलर का कॉलम ऐड करेंगे और सेम कॉलम को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे 24,400 और ओपनिंग बैलेंस लड़का कोई था नहीं। तो इसके अलावा एडजस्टमेंट होगी, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए ब्लंट एंड एक्स्ट्रा डेबिट हो रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, ये बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ पार्ट गुडविल लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो ब्लंट 10,000 एंड वेक्स्टर 5,000, जबकि एडजस्टमेंट फॉर गुडविल क्रेडिट किया जा रहा है डॉट्स एंड फुलर 10,000 5,000 क्रेडिट होंगे। इसके अलावा कैश रिसीव हमने करना है, मिस्टर फुलर कैश लेके आएगा, तो कितना कैश लेके आएगा 24,000 जब कैश रिसीव किया जाएगा, तो हम एंट्री पास करेंगे कैश का डेबिट एंड फुलर अकाउंट क्रेडिट। कैश डेबिट कितने से होगा, जितना वो लेके आ रहा है टोटल कैश 24,000 और 24,000। तो फुलर अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह, तो फुलर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है कैश की वजह से, तो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे कैश और इसके अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे 24,000। इसके अलावा जैसे बैलेंस किया जाता है तो वैसे बैलेंस करेंगे, और कुछ नहीं है तो फिर हम यहाँ पे कर लेंगे बैलेंस, टोटल 14,000 है। इसके अलावा 24,400 और यहाँ पे बनेगा 25,400, ये बनेगा 25,000। उसके बाद बाकी बैलेंस हो गया हमारे पास, बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये बाकी बचेगा 4,000 और रिकॉर्ड करेंगे 19,400 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 25,400, यहाँ पे 25,000 और ये क्लोजिंग बैलेंस के बाद हम कर लेंगे टोटल, ये हमने कर लिया टोटल और क्लोज कर दिया। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या है, इसमें कहते हैं द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर बैकस्टर हैज बीन रिड्यूस्ड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने ओपन करनी है, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ओपन करना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर बात करेंगे इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओपन करनी है, तो मेंशन कर लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो
हो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। गुडविल नहीं है तो ऐसे कैश 66,000 तो 66,000। इसके अलावा कैश हमारे पास 1200 का, पहले से कैश 1200 है जबकि अभी रिसीव कितना की है 24 इसमें से लाइबिलिटीज आ रही है टोटल अकाउंट्स पेबल 8400 के, अकाउंट्स पेबल को रिकॉर्ड करेंगे हम टोटल 8400 अकाउंट्स पेबल। माइनस करेंगे 8400, बाकी देखते हैं कि हमारे पास नेट कितना बचता है। 91,200 में से अगर 8400 को माइनस किया जाए तो 82,800। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट्स आ रहे, कैपिटल अकाउंट आ रहे हैं हमारे पास, रिकॉर्ड करेंगे इसको कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के। तो कैपिटल के अकाउंट्स, तो पार्टनर्स के अकाउंट लिख लिए हमने, अमाउंट बैलेंस क्या रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 4,090,400, तो ये बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे टोटल 4,000 एंड बस टोटल आ रहा है। इसके अलावा 90,400, 25,400 एंड 25,000। उसके बाद इसका करेंगे सम, जी ये मिस्टेक थी हमारी, तो अभी चेक करते हैं इसको। 4,000, 29,400 और उसके अलावा 30,400 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 30,400 और ये 19,000, तो इसको हम कॉट करेंगे 19,000, तो 82,800। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42.5 है, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 42.4 है, थोड़ा सा इसमें चेंज है कि वहाँ पे था कि हमने अकाउंट ओपन नहीं करना गुडविल का, जबकि यहाँ पे गुडविल का अकाउंट हमने ओपन करना है। कि इट इज एग्रीड इन गुडविल अकाउंट 72,000 दैट इज टू बी ब्रॉट इन टू द बिजनेस एक्ट्स। यहाँ पे क्या है, नॉट टू बी ब्रॉट, यहाँ पे क्या है, नॉट टू बी ब्रॉट इन टू बिजनेस एक्ट्स। यहाँ पे हमने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जबकि यहाँ पे गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2.5 को आप लोग ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।